नागपुर की और आपकी खूबसूरती में चार चांद लगाने अब आ गया है केसा। केसा यूनिसेक्स सैलून, आपका पर्सनल स्टाइलिस्ट। लेडीज, जेंट्स और बच्चों के लिए सर्वोत्कृष्ट मेडिकल और हर्बल स्किन और हेयर ट्रीटमेंट, वो भी एकदम किफायती दाम में। खूबसूरत इंटीरियर और एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, एक बार सेवा का मौका अवश्य दें। केसा यूनिसेक्स सैलून, झांझरी कॉम्प्लेक्स, होटल रसराज के सामने, सपना टॉकेज रोड, चंद्रपुर। मोबाइल नंबर 8799022232। आप देख रहे हैं पार्थशर समाचार, सत्य परमो धर्म। चंद्रपुर में अवैध धंधे इस कदर बढ़ गए हैं कि अब लोगों को शहर के बीचों बीच जटपुरा गेट जैसी जगह से भी खुलेआम और जोरदार अवैध तंबाकू बिक्री करने से डर नहीं लग रहा। दिनांक 1 फरवरी 2022 को दोपहर करीब 3 बजे चंद्रपुर के सामाजिक कार्य करने वाली युवक संगठना के जुनैद शेख और मित्रों ने मिलकर जटपुरा गेट पर स्थित प्रेमाची चाह के बगल में शुभम ट्रेडिंग कंपनी पर छापा मारकर करीब 5 लाख का माल बरामद किया। यहां से पिछले कई महीनों से धड़ल्ले से अवैध तंबाकू बिक्री हो रही थी और इन लोगों को राज्य के संरक्षण भी मिला हुआ होने की बात कही जा रही है। गौरतलब है कि जब दारू बंद थी तब भी यहां से निरंतरता से अवैध दारू बेची जा रही थी और अब तंबाकू बिक्री जारी है। आश्चर्य की बात तो यह है कि सारे शहर को यह ठिकाना पता है मगर फूड एंड ड्रग डिपार्टमेंट के अधिकारियों को और पुलिस को इसके बारे में जानकारी नहीं, या यूं कहें कि ये लोग जानकर अनजान बन रहे हैं तो गलत नहीं होगा। शुभम लोनकर नामक युवक शुभम ट्रेडिंग कंपनी के नाम से ये कारोबार खुलेआम धड़ल्ले से कर रहा है और पत्रकारों को और पुलिस को वो बेखौफ होकर बड़े बड़े नेताओं के लड़कों के नाम बताकर डराता है। आज के संदर्भ में कार्यवाही होने के बाद जुनैद शेख और पार्थशर समाचार के संपादक राजेश नायडू और अन्य लोगों ने पुलिस अधीक्षक अरविंद सालवे मुलाकात करके छापे का वीडियो दिखाया जिसमें बोरी भर भर के कई पेटी माल दिखाई दे रहा है, जिस वजह से पुलिस अधीक्षक ने रामनगर पुलिस को तुरंत कार्यवाही करके रिपोर्ट का अहवाल भेजने की बात कही है। देखने वाली बात यह है कि इस समाचार के बाद भी क्या यहां पर अवैध तंबाकू बिक्री होती है। अगर ऐसा होता है तो पुलिस और फूड एंड ड्रग अधिकारियों की भूमिका संदेहास्पद हो जाएगी।